सभी को नमस्कार। आज के हिंदी की डिजिटल कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पी लावण्या, KGBV अलीपुर, चिन्नाकुर मंडल, जिला सिद्धिपेट। आज हम पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति शाखा की कवित्रियों में श्रेष्ठ माने जाने वाले मीराबाई जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की गांव में मेड़ता नागौर में हुआ था, जो वर्तमान में पाली जिले में स्थित है। मीराबाई के पिता रत्न सिंह, माता वीर कुमारी बाई। मीराबाई का बचपन का नाम फैफैमल था। मीराबाई का विवाह 1516 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा सांगा और हाड़ा रानी कर्मावती के ज्येष्ठ पुत्र भोजरा से हुआ था। सन 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा और भोजराज वीरगति को प्राप्त हुए। मीराबाई के गुरु, पारंपरिक गुरु है राज पुरोहित चंपाजी, धार्मिक गुरु गजाधर गुर्जर, आध्यात्मिक गुरु श्री परशुराम आचार्य और उनके जो ज्ञान देने वाले गुरु है संत रविदास, यानी उसका पूरा नाम है रविदास के नाम से जाना जाता है। भोजराज वीरगति को प्राप्त होने के बाद चित्तौड़ के महाराणा मीराबाई को अनेक कठोर यातनाएं दिए जा रहे थे। मीराबाई पुष्कर होते हुए वृंदावन चली गई और कृष्ण भक्ति करने लगी। मीराबाई ने वृंदावन में दास दासी सांप्रदाय स्थापित किया और कृष्ण भक्ति में माधुरी भाव अधिक बल दिया। मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। मीराबाई की रचनाएं राग गोविंद, मीराबाई की पदावलिया, नरसी जी का मायरो, रतन खाती ने मीराबाई के निर्देशन में ब्रज भाषा में लिखा गया है। स्फुट पद मीराबाई की पदावलिया नाम से जानी जाती है। मीराबाई राजस्थान की प्रथम महिला संत है जिन पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। मीराबाई के दादा राव दूजी मीराबाई के लिए मेड़ता नागौर में चार भुज नाथ जी का मंदिर बनवाया। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में जोधपुर के चोगड़ी नामक गांव में हुआ था। बचपन से ही मीराबाई श्री कृष्ण को अपना पति मान रही थी। इसका कारण यह था कि एक बार अपनी माँ के साथ 5 वर्ष की आयु में एक विवाह में उपस्थित होते हैं तो माँ से कहती है कि माँ वह क्या हो रहा है, तो माँ कहती है कि पुत्री वहां पर शादी हो रहा है, तो वहां दूल्हा है और दुल्हन है। तो जब मीराबाई कहती है कि मेरे दूल्हा कहाँ है, तो उनकी माँ कहती है कि श्री कृष्ण की मूर्ति को दिखाकर यही तुम्हारे पति है कहती है। तो बचपन से ही मीराबाई के दिल में बैठ गया कि श्री कृष्ण ही मेरे पति है। जैसे जैसे ही उम्र के साथ साथ उनके माधुर्य प्रेम बढ़ता ही गया। दादा दुबेराव के कारण उनकी शादी चित्तौड़ के महाराजा भोजरा से किया जाता है, परंतु अल्पायु में ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद मीराबाई सत्संग और कीर्तन में जाने लगी, पर यह उनके ससुराल वालों को पसंद नहीं था। तो जब चित्तौड़ के महाराणा सांगा उनको कई तरह के यातनाएं देते हैं, कई बार मीराबाई को मारने का कोशिश भी किया गया। तो एक बार मीराबाई कहती है कि मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे, लोग कहे मीरा भाई बावरी, न्याति कहे कुल नाशी रे, विष का प्याला राणा जी बेजो पीवत मीरा
हासे रे। तो इसमें ही हमें पता चलता है कि मीरा बाई की भक्ति कैसी थी। सब लोग उसे कुलनाशी कहने लगे थे और विष का प्याला राणा जी भेजो, यानी एक बार मीरा के कारण यह कलंक ना आने के लिए उसके जो जीजा है क्या करा था, विष का प्याला भेजा था। तो यहाँ पर मीरा बाई ने विष का प्याला हंसते हंसते पीवा था, फिर भी उसे कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि उनके कौन ही बचाने वाले, सब कुछ श्री कृष्ण हैं। फिर दूसरी बात यह हुआ कि सांगा ने एक बार फूलों की टोकरी में फूलों के साथ सांप को भी मारने के लिए मीराबाई को भेजा जाता है, पर जब मीराबाई देखती है तो वहां पर सांप नहीं बल्कि वहां पर कृष्ण की मूर्ति हुआ था। तो यहाँ कई बार मारने की कोशिश करे थे, यही यातनाओं से विरक्त होकर मीराबाई तुलसीदास को पत्र लिखती है कि मुझे ससुराल वाले कहीं मुझे यातनाएं दे रहे हैं। तो धर्म के आज्ञा पर जाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। तो जब उसका आदर करते किसका, रैदास यानी उनके गुरु गुरु ने ही इन्होंने माँ भक्ति का मार्ग दिखाया था। यह पद यह है कि पायोजी में तो राम रतन धन पायो, पायोजी में तो राम रतन धन पायो, यानी जो भी मुझे धन मिला है वह राम नाम रूपी धन है। वह अनमोल जो वस्तु दिया है मुझे कौन दिया है, गुरु ने दिया है। वह गुरु कौन है, रैदास के द्वारा। इस तरह से कई बार मीराबाई बस अपनी भक्ति के मार्ग में जाने लगी। मीराबाई एक बार कहती है कि श्री कृष्ण का बाल्यकाल का वर्णन करते हुए मीराबाई कहती है कि बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सावरी सूरत नैना बने मिसाल, मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल नैना बने मिसाल। तो इससे पता चलता है कि मीराबाई ने बचपन से ही कितना उनके मन में माधुर्य भक्ति का निवास किया है। तो इस तरह सा अनेक यातनाएं झेलते हुए मीराबाई क्या करती है, वृंदावन चली जाती है। वहां कई दिनों तक रहकर वहां से ही फिर द्वारका जाती है। कहा जाता है कि अंत में मीराबाई श्री कृष्ण के उनके मूर्ति में समा गई कहकर समझते हैं। यही मीराबाई की जीवनी है। धन्यवाद।